नमस्कार दोस्तों, जैको मेरस में आपका स्वागत है। मैं विजय कुमार गुप्ता इस समय आया हूँ जयगांव के गोपी मोहन में। और यहाँ पे जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, स्टेडियम का कार्य चल रहा है। लेकिन दोस्तों, आज आने का उद्देश्य यही है दोस्तों कि आज हमारे जो दिग्गज क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जी का जन्मदिन है, तो आज मैंने सोचा कि शायद आज मैदान में चला हूँ तो कोई बच्चों के साथ, क्रिकेटर के साथ या कोई खिलाड़ियों के साथ बात हो जाए और साथ साथ में यहाँ पे कुछ इंटरेक्शन भी हो जाए। लेकिन खैर, यहाँ पे आने के बाद आप जैसे कि कैप्शंस में देख सकते हैं, जो कि कैप्शंस में लिखा हुआ है कि जयगांव को स्पोर्ट्स स्टेडियम कब मिलेगा, ये सवाल मैं आज उठाना चाहूँगा। आज खास करके उठाना चाहूँगा, आपको कुछ विजुअल्स आपके समक्ष साझा करना चाहूँगा और ये सवाल का जवाब आप देंगे, प्रशासन देगी और जो अधिकारी और जो कॉन्ट्रैक्टर्स इस कार्य को कर रहे हैं वो देंगे। कुछ आपको विजुअल्स हम मैं साझा करने वाला हूं और सवाल वही रहेगा कि जयगांव को स्पोर्ट्स स्टेडियम कब मिलेगा। दोस्तों, कुछ विजुअल्स आपके साथ मैं साझा करने जा रहा हूं दोस्तों। जी हां दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूं गोपी मोहन के, जो कहा जा रहा है कि यहाँ पे स्टेडियम बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी अगर देखें तो ये एक डंपिंग यार्ड में कन्वर्ट हो चुका है दोस्तों। काफी दुखद है, आप सभी को सीधा तस्वीरें आप सभी के समक्ष लेके आ रहे हैं दोस्तों। गोपी मोहन ग्राउंड को डंपिंग यार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है। जो कचरा है जयगांव का, जो कचरा है उसको लाकर यहाँ पे डंप किया जा रहा है। तो ये आप सोच सकते हैं, एक तरफ देश के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी विश्व में देश का नाम रोशन कर रहे हैं, वहीं पे जयगांव में खिलाड़ियों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है ये आप सोच सकते हैं। मैदान में कचरा लाकर फेंका जा रहा है, डंपिंग यार्ड में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। और वहीं पे दोस्तों, कई समय से, कई सालों से यहाँ के पे कार्य चल रहा है, आपको वो भी दिखा दें। स्टेडियम का कार्य चल रहा है, दो भागों में गैलरी बन रहा है, लेकिन इस समय तो मैं मान सकता हूं कि बारिश का दिन है, काम धीरे चलता है। लेकिन कितने साल लगेंगे ये भी सवाल है। बच्चे तो मैदान पे आके करेंगे तो करेंगे क्या। यहाँ पे केवल ये मैदान केवल रह गया है भेड़ बकरियों को घास चरने के लिए, खेल कूद के लिए तो रह नहीं गया है। और जो दृश्य आपको दिखा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन जारी है सालों से, ये आपको दृश्य दिखा दे रहे हैं, लेकिन कब इसका समाप्ति होगा, कब ये स्टेडियम का रूप रेखा लेगी, ये कहना बहुत मुश्किल है दोस्तों। क्योंकि जिस तरह से कार्य चल रहा है, लगता है कि हमारे बच्चों के बच्चे आके यहाँ पे खेल कूद करेंगे, और शायद कर भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस ग्राउंड का सही उपयोग इन भेड़ बकरियां कर रही हैं और कुछ लोग जो कि जयगांव में कचरा यहाँ पे ला के डंप कर रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा जो भी कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये दृश्य जो आपको दिखा रहा हूं दोस्तों काफी दुखद है। और आशा करता हूं कि प्रशासन इसके ऊपर उचित कार्रवाई करेगी। एक मैदान में मैं समझ सकता हूं दोस्तों कि कंस्ट्रक्शन साइट में रिवर बेड मटेरियल्स ला के रखी जाती हैं, लेकिन ये कौन सा रिवर बेड मटेरियल है, ये कचड़ों से क्या स्टेडियम बन रहा है जयगांव का स्टेडियम, ये सवाल है तमाम जयगांव वासियों के लिए, ये सवाल है प्रशासन के लिए और साथ में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो ये यहाँ पे कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी, कि आप क्या ये कचड़ों से, ये जो कचरा यहाँ पे डंप किया गया इससे क्या ये स्टेडियम बनाया जा रहा है, सवाल आप सभी के समक्ष मैं रखना चाहूँगा और प्रशासन के पास भी रखना चाहूँगा। और इस सवाल को हम लोग प्रशासन के पास लेके जाएंगे, इसका जवाबदेही प्रशासन की बनती है और साथ में कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, जो इस स्टेडियम का कार्य कर रहे हैं, उनका भी जवाबदेही बनता है कि इस तरह से मैदान में अगर कोई कचरा लाके फेंकता है, यहाँ पे डंप करता है, तो उसका जवाबदेही कौन होता है। ये समझा जा सकता है कि मैदान में इस तरह से रिवर बेड मटेरियल्स लाके रखा जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए, इसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन ये जो कचरा आप देख रहे हैं, ये जो कचड़ों का अंबार देख रहे हैं, क्या इससे जयगांव का स्टेडियम बनेगा। एक तरफ जयगांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के प्रांगण में बड़ा ही तेजी के साथ
पानी का जो पीएचई डिपार्टमेंट का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा काफी तेजी के साथ चल रहा है, और वहीं दूसरे तरफ यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऐसा लग रहा है कि जोर जबरदस्ती करके बनाया जा रहा है। ये सवाल एक बार फिर से मैं रखना चाहूंगा। और जयगांव में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का कोई कमी नहीं है दोस्तों। जी दोस्तों, जयगांव में खिलाड़ियों के कोई कमी नहीं है, बहुत सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं यहाँ पे, खिलाड़ियों का कमी नहीं है। चाहे फुटबॉलर ले लें, चाहे क्रिकेटर ले लें, बैडमिंटन ले लें, वॉलीबॉल ले लें, काफी सारे खिलाड़ी हैं यहाँ पे, काफी सारे अनुभवी युवा है, काफी सारे युवा पीढ़ी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन किस तरह से हम लोग बर्ताव कर रहे हैं इस खिलाड़ियों के साथ, इस युवा पीढ़ी के साथ, ये दर्शाता है। हमारे पीछे जो यहाँ पे कचरा का अंबार खड़ा हुआ है, ये साबित करता है कि जयगांव के खिलाड़ियों का वैल्यू क्या है। अगर खिलाड़ियों के लिए खेल मैदान में इस तरह से कचरा लाके फेंका जाए तो उन खिलाड़ियों का प्रोत्साहन हो रहा है कि आप डीमोटिवेट कर रहे हैं। और साथ में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं वेलकम करता हूं कि प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा काफी बढ़िया कार्य हो रहा है, लेकिन जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। मुझे ये भी मालूम है कि जो ठेकेदार होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनके पास बहुत सारा काम होता है, यही केवल एक काम नहीं है। लेकिन खिलाड़ियों के लिए जयगांव में यही एकमात्र मैदान है दोस्तों, एक प्राइम लोकेशन में, एक हार्ट ऑफ द सिटी में, जयगांव के एकदम शहरी इलाके में एक स्टेडियम का कार्य काफी साल पहले शुरू हुआ था। और मैंने ये भी सुना था दोस्तों, अब मैं ये भी सुना था कि यहाँ पे जब इंडिपेंडेंस डे का यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था तो विशेष अतिथि गण लोग यहाँ पे अनाउंस किए थे कि अगला इंडिपेंडेंस डे स्टेडियम में मनाया जाएगा। लेकिन आशा यही है कि कौन सा साल का इंडिपेंडेंस डे इस मैदान में मनाया जाएगा, ये सवाल रह गया है। आशा करते हैं आने वाले कुछ दिन में इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, कहाँ पे फंक्शन होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन किस साल में, किस तिथि में, किस शताब्दी में, किस समय यहाँ पे स्टेडियम में 15 अगस्त मनाया जाएगा, ये सवाल रह जाता है। और साथ साथ जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी जयगांव वासी है, जरूरत है अगर कुछ गलत होता है तो आप उसको आवाज़ उठाना सीखिए, और जयगांव मिरर्स हमेशा वो माध्यम बनने के लिए तैयार है जनहित के लिए। हमें ऐसा लगता है कि आज जो यहाँ पे हमारे पीछे जिस तरह से कचरा फेंका गया है, ये गलत है, गलत दिखाने के लिए हम लोग कतई पीछे नहीं हटेंगे, जो गलत है वो गलत ही रहेगा, और इसके पीछे जो भी इसके पीछे ये गलत कार्य में इन्वॉल्व है उसके ऊपर प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी होनी चाहिए, ये भी मैं आशा करता हूँ। चलते चलते बस यही मैं कहना चाहूँगा, हमारे पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान, हमारे भारत के क्रिकेट टीम के कप्तान माननीय महेंद्र सिंह धोनी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आने वाले समय में हमारे जयगांव जैसे जगह से भी बहुत सारे प्रतिभाशाली महेंद्र सिंह धोनी निकलेंगे, उसके लिए प्रशासन उचित पहल करे और खिलाड़ियों का मनोबल को बढ़ाएं, इस तरह कार्य करने से रोकें जो कार्य यहाँ पे हो रहा है, इस तरह से गंदगी जो डंप किया जा रहा है, और साथ साथ में जो स्टेडियम का कार्य में काफ़ी ढीलापन देखा जा रहा है उसको तेजी में लाएं, ताकि जो जयगांव के जो युवा हैं वो खेल के जगत में भी जयगांव का नाम रोशन करें, आने वाले समय में भारत का नाम रोशन करें। इसी के साथ मैं विजय कुमार गुप्ता अलविदा लेता हूँ, फिर किसी और जगह से आप सभी के समक्ष फिर लाइव जुड़ूंगा। इसी तरह से जुड़ते रहिएगा हमारे चैनल जयगांव मिरर्स के साथ। कीप वॉचिंग जयगांव मिरर्स।